हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्टर क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनकी वजह से हमारा कॉर्न एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनता है। तो उसके सारे टिप्स को चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश वाले 3 से 4 भुट्टे लिए हैं। छीलने के बाद इसमें जो इस प्रकार के धागे लगे होते हैं इन्हें हम बिल्कुल हटा देंगे और इसमें से हम स्वीट कॉर्न के दाने निकाल लेंगे। और इस तरह के जो भी टूटे हुए या फिर हाफ कटे हुए दाने रहेंगे उन्हें हम छाट कर अलग कर लेंगे। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न को बॉईल करना है। मैं यहाँ पर 2 कप स्वीट कॉर्न ले रही हूँ, तो उसका 1.5 गुना पानी हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। मतलब कि हमें इतना पानी बॉईल करने के लिए लेना है कि जब हम उसमें स्वीट कॉर्न बॉईल करें तो वो अच्छे से उसमें डूब जाए। तो मैंने अपने स्वीट कॉर्न के हिसाब से यहाँ 1.5 बॉल पानी उबालने के लिए रख दिया है। उसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। पानी में जैसे एक अच्छा सा उबाल जाता है तो हम हमारे स्वीट कॉर्न इसमें ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करने के बाद उसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखिए कॉर्न हल्का सा फूलने लगा है और सारे कॉर्न धीरे धीरे करके फूल कर ऊपर आने लगे हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में एक स्ट्रेनर को रखकर उसे साइड में रख लेंगे। अब सारे स्वीट कॉर्न को झारे की हेल्प से निकालते जाएंगे और स्ट्रेनर में डालते जाएंगे। एक बार जब स्वीट कॉर्न बॉईल होकर फूल जाता है तो वो बाद में नीचे बैठ जाता है। ये भी इसका साइन है कि हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। उबाल लेने से अभी पूरा फूल जाता है ना, तो जब हम फ्राई करते हैं तो तेल में ये फटता नहीं है। अब जब तक कि स्वीट कॉर्न का एक्सेस पानी निकल रहा है तब तक हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। बर्तन हम ऐसा लेंगे जिसमें कि हम स्वीट कॉर्न को कोट करते टाइम टॉस भी कर पाएँ और उसमें अच्छे से मिक्स भी कर पाएँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है। अब स्ट्रेनर के स्वीट कॉर्न को हम इस पैन में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे, जब तक कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब हम टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। 2 कप स्वीट कॉर्न के हिसाब से 3-4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से सारी चीज़ों को स्वीट कॉर्न में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कोट करने की प्रोसीजर में सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हम स्प्रिंकल करते हुए ऐड करेंगे। पहले इसे हल्के हाथों से टॉस करना है जिससे कि कॉर्न स्टार्च और मैदा जो है वो कॉर्न पर अच्छे से चिपक जाए। अब इसे थोड़ा सा स्पैचुला से इस तरह कर लेंगे, क्योंकि बार बार हाथों से करेंगे तो कोटिंग निकलना शुरू हो जाएगी। अब कोटिंग को बढ़ाने के लिए हम हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे और अब इस बार सिर्फ हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। तो पानी का छींटा मारने के बाद इसे हल्के से हाथों से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर फिर हम 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे। कॉर्न स्टार्च हम वही वाला यूज़ करेंगे जो कि हम चाउमीन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, फिर उछालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 बार ये वाली प्रोसेस करेंगे जब तक कि कॉर्न के ऊपर अच्छे से कोटिंग ना आ जाए। और इस प्रोसीजर में टोटल 5 से 6 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च यूज़ हो जाएगा। देखिए कॉर्न इस तरह बहुत अच्छे से कोट हो गया है। कोटिंग हो जाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को रख देंगे जिससे कि कोटिंग इसमें बहुत अच्छे से सेट हो जाए। जब तक कॉर्न सेट हो रहा है तब तक हम साइड में तेल सेट कर लेते हैं फ्राइंग के लिए। कढ़ाई में तेल का लेवल नीचे ही रखेंगे, क्योंकि जब कभी कभी कॉर्न को फ्राई करते हैं ना तो तेल ऊपर आता है, तो तेल कढ़ाई से गिरना नहीं चाहिए। और एक प्रिकॉशंस, एक ढक्कन रेडी रखना है क्योंकि कभी कभी कॉर्न फ्राई करते टाइम फटता है, तो तेल आपके ऊपर उड़ना नहीं चाहिए। अब हम 3 से 4 धोकर ड्राई की हुई हरी मिर्च ले लेंगे और उनमें इस तरह बीच में से चीरा लगाकर उन्हें रेडी करके रख लेंगे। और कोटिंग करते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें मेजर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और बस थोड़ा सा ही मैदा ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्राई करने के प्रोसीजर में हम हल्के हाथों से कॉर्न को एक झारे में डालेंगे
और उसे इस तरह छानते हुए एक्सेस कॉर्नस्टार्च निकाल देंगे, जिससे कि तेल फ्राई करते टाइम खराब ना हो। एक कॉर्न डालकर हम ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। अब केयरफुली कॉर्न को गर्म तेल में ऐड करेंगे। और इस फ्राई करने के प्रोसेसर में हम ढक्कन को इस तरह रखेंगे कि यदि कॉर्न फटता है फ्राई करते टाइम तो तेल हमारे ऊपर ना उड़े। कॉर्न को हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद उसे टच करेंगे और उसे इस तरह चलाते रहेंगे। जैसे ही हल्का सा झाग कम हो जाता है तो हम फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे कि कॉर्न अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। एक बार के कॉर्न फ्राई करने में करीब 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। कॉर्न को देखकर समझ आ रहा है कि एकदम क्रिस्पी हो गया है, तो हम इसका एक्सेस ऑयल निकाल कर इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा एकदम क्रिस्पी कॉर्न बना है और एकदम अच्छे से इसके ऊपर परफेक्ट कोटिंग भी आ गई है। और कढ़ाई में इसे निकालने के बाद इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए, इसके लिए हम इसे एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे तो कॉर्न 2 से 3 बार जब हम हाथ बैठता है तभी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन मैंने जो आपको सही तरीके से कोट करने की प्रोसीजर बताई है, इससे आप यदि फॉलो करते हैं तो पहली बार में ही आपके कॉर्न परफेक्ट क्रिस्पी बनेंगे। सेम प्रोसीजर से हमें बाकी के कॉर्न को भी झारे में डालना है, उसका एक्सेस कॉर्न स्टार्च निकाल देना है और सेम वे में हमें सारे कोटेड कॉर्न को फ्राई कर लेना है। सारे कॉर्न को हमने फ्राई कर लिया है, इसका एक्सेस ऑयल भी सारा निकल गया है, तो हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे कोट करने से पहले जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उसकी वजह से ये पहले से ही स्पाइसी है और एकदम टेस्टी लगता है बिना कुछ मसाले ऐड किए ऊपर। पर चाहे तो इसके ऊपर आप चाट मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला डालकर भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इस क्रिस्पी कॉर्न को रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के प्रोसीजर में हमें तो इसके लिए 1/2 टेबल स्पून ऑयल को पैन में डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब जो हरी मिर्च हमने कट लगा कर रखी थी उसे इसमें डालकर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाने देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज और बहुत थोड़ा सा अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ डाल देंगे। गर्म ही रहे कॉर्न जब फटाफट से साइड में टॉस करनी है वेजीज और कॉर्न को डालकर फिनिश कर लेना है। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर शिमला मिर्च डाल रही हूँ, रेड वाली। सारे कलर्स की शिमला मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास हो तो। इसे हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें तुरंत ही हम क्रिस्पी कॉर्न ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखे हैं। यदि आपके पास हो तो ताजे स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें तुरंत ही हम 1/4 टीस्पून लेमन जूस या फिर विनेगर ऐड कर लेंगे। हल्का सा टॉस करने के तुरंत बाद इसे हम गरम गरम सर्व कर लेंगे, नहीं तो ये सॉगी हो जाएगा। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। लग रहा है ना एकदम यमी। एक कॉर्न के ऊपर की मैं आपको कोटिंग दिखाती हूँ और इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट कोट हुआ था ये। बहुत ही डिलीशियस स्टार्टर रेसिपी है, एकदम सिंपल सी भी है। बस कुछ ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग जब क्रिस्पी कॉर्न घर पर बनाते हैं तो कॉर्न क्रिस्पी नहीं बनता है, कभी कभी बराबर से कोटिंग नहीं हो पाती है या फिर कोटिंग छूट जाती है, तो उसके सारे टिप्स इस वीडियो में आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिससे कि आपका एकदम परफेक्ट क्रिस्पी कॉर्न घर पर ही बने। अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर जरूर से कीजिए। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस डिलीशियस रेसिपी एट योर होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।